ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के भाग्य के अनुसार से जुलाई का जो पहला भाग है वो क्या कुछ करता दिखाई दे रहा है उसको आपको समझना चाहिए। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज अभी जुलाई के आरंभ से पहले ही वक्री हो चुके हैं और वक्री होकर द्वितीय भाव में विराजमान हो गए हैं। द्वितीय भाव में वक्री स्वामी ग्रह जो हैं विशेष तौर पर स्वग्रही होकर वहाँ विराजमान है और आप समझ लें कि ये विशेष योग बन रहा है। शनि का वक्री होना एक तरह से शनि की शक्ति को बढ़ाने वाला है और आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज का शुभ हो गए, अशुभ तो हुए नहीं लेकिन उनकी शक्ति बढ़ जाती है, वक्री हो जाते हैं तो विशेष तौर पर आप समझें कि कई बार वो शक्ति जब बढ़ जाती है तो उस पर थोड़ी सी लगाम लगाने की भी ज़रूरत होती है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जब गाड़ी बहुत बड़ी होती है, उसमें स्पीड में इंजन ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो ऐसे में यदि चालक हल्की सी भी गलती कर लेगा तो उसका खामियाजा उसको बहुत बड़े रूप में भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए ये समय सावधानी का है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से देखें तो आषाढ़ के महीने में विशेष तौर पर दो तिथियाँ एक पक्ष में ही क्षय हो गई थी और एक क्षय हो चुकी है, एक क्षय होने वाली है और एक तिथि बढ़ने भी वाली है। जहाँ तक बढ़ने की तिथि की बात है वो आपके लिए बहुत शुभ है। उसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का योग भी पड़ रहा है, शुक्र उदय होने वाले हैं कई भी दिनों लंबे बाद। ये सब के सब ग्रहों का योग आयोग जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको सिलसिलेवार तरीके से सावधानी के साथ समझना चाहिए क्या कुछ आपके जीवन में ग्रहों का योग बनेगा। 1 जुलाई के दिन सोमवार है, दशमी तिथि है और साथ साथ मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान है मंगल के साथ। चतुर्भाव में विराजमान आपकी राशि के अनुसार से ये दोनों ग्रह थोड़ा सा आपको बहुत महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं और आपको थोड़ा सा इस समय इसका सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ये संपर्कों में इजाफा करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। इसे पूर्व भी हमने अपने पूर्व भविष्य में वक्ताओं दृष्टिकोण से आपको बताया था, ये समय आपके अप्रोचेस का, आपके बड़े अच्छे लोगों से मिलने का इस समय उपयोग दिखाई देता है। तो ऐसे में मनोमस्तिष्क से अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए, आपको अपने समय का उपयोग करते हुए, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ साथ अपने सुना का यूज करने का प्रयास करना चाहिए। दिन बड़ा अच्छा आपके लिए। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है सुबह 10:26 तक, क्योंकि भद्रा का योग है, उसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद आप खुलकर काम करने का प्रयास करें। ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, आगे बढ़ने से आपको सहायता ही मिलेगी। ध्यान रखें इस वक्त मंगल चंद्रमा का योग जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता प्रदान कर रहा है। थोड़ा सा हनुमान चालीसा का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें, शंकर जी का पूजन करें, ये शुभ आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है, योगिनी एकादशी का योग बना है सुंदर और चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, 11:14 पर बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे और ये आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बहुत सुंदर योग बनाएंगे। पंचम में बैठकर बृहस्पति के साथ उच्च के चंद्रमा आपकी विजय को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, लाभ को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, विचारों को प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं, नए संपर्कों से लाभ प्राप्ति के लिए सही समय दिखाई देता है। यदि चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए यदि आप कार्य कर लें, थोड़ा शुक्र अस्त है बस उसको थोड़ा शक्ति को चाणक्य नीति का इस्तेमाल सही रूप से कर लिया तो जो संपर्क में आए लोग हैं वो आपको लाभ दे सकते हैं। नए संपर्क बनने में 2-3 दिनों में खासतौर पर अच्छा लाभ बनने के योग बन सकते हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए सुंदर योग है, योगिनी एकादशी का योग है। व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, सुबह सुबह उनका विशेष तौर पर शंख के द्वारा पंचामृत से उनको स्नान कराकर उनका जो चरणामृत लिखे उसको ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते शास्त्र कहता है ना, तो इसको आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करें और लगे काम पे 2-3 दिन आपके लिए वारी न्यारे करने के हैं, बहुत सुंदर है आपके लिए। 3 तारीख का अवसर, बुधवार का योग और द्वादशी का योग है और शाम को त्रयोदशी का योग दिखाई देता है। द्वादशी त्रयोदशी संयुक्त रूप से आने के कारण से सुंदर बुध प्रदोष का योग बन गया है और इन दोनों आपकी राशि के अनुसार से यदि बुध देखें तो बड़े महत्वपूर्ण स्थान में बैठे हैं। बुध को और शक्ति दीजिए। देखिए बस बुध दोष का योग है, बुध के समस्त दोषों को, सांसारिक बुद्धि को थोड़ा जगाकर काम करने के लिए देखिए बाकी सुंदर ग्रह कितनी सुंदर स्थिति में चल रहे हैं। मंगल स्वग्रही, शनि स्वग्रही, बृहस्पति आपके पंचम भाव में भाग्य को देखते हुए, चंद्रमा उच्च के, इतने सुंदर योग बने हुए हैं। ऐसे में इस समय का सदुपयोग करें, गज केसरी योग निर्माण है, भगवान शंकर का सुंदर पूजन करें, इच्छु रस से भगवान शंकर पर बिलपत्र अर्पित करें। ये सारे कार्य कर सुंदर तरीके से अपने भाग्य को और जगाने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर ग्रहों का योग योग बना हुआ है। अब देखिए समय तो सद है लेकिन आप यदि सोते रहे तो कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे।
संपर्कों को बढ़ाएं। इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जहां जाओगे सब लोग आपके मित्र बनने के योग बन सकते हैं, तो मित्रता बढ़ाने का, अपने वर्चस्व का बढ़ाने का प्रयोग करना चाहिए आपको। खाली मत बैठें, विचार ना करें, क्रिया कार्यान्वयन करने का प्रयास करें। जितना कार्यों में आगे बढ़ेंगे करेंगे, कार्यों को एग्जीक्यूट करेंगे, उतना बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। 4 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग। त्रयोदशी उस दिन प्रातः उदय तिथि विद्यमान है, लेकिन चतुर्दशी अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, इसलिए चतुर्दशी हो गई है शय। मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, तो ये सुबह सुबह तो चंद्रमा और बृहस्पति का बहुत सुंदर योग बना हुआ है, ये आपके बड़ा अनुकूल है। तो इस समय को भी पूरी तरह से, जो 2 दिन में कसर रह गई हो उसको ठीक करते हुए कार्य करने का प्रयास कर लीजिए। बड़ा सुंदर योग है, मासिक शिवरात्रि है, शिव का ध्यान करें, लेकिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचें, क्योंकि भद्रा है। सुबह 5:25 से लेकर शाम के 5:25 तक रहेगी, तो नए कार्यों, नए बड़े प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। चाहे कोई सर्वार्थ सिद्ध योग भी निकाल दे, बहुत सारे लोग मुहूर्त बता देते हैं लेकिन भद्रा को निग्लेक्ट कर देते हैं। भद्रा निग्लेक्ट करने की चीज नहीं है, अन्यथा विघ्न का दोष लगता है, कष्ट होने के दोष लगते हैं, और फिर उसको निवृत्त करने के लिए बहुत लंबा समय, भद्रा दोष से समाप्ति करने के लिए बहुत लंबा कार्य करना पड़ता है। 5 तारीख का अवसर, शुक्रवार का योग, अमावस्या तिथि है और इसी दिन शुक्र हो रहे हैं उदय। पैतृक कार्यों के लिए बहुत सुंदर तिथि है, लेकिन महालक्ष्मी की कृपा तब प्राप्त होती है, देवी कृपा तब होती है कि जब हमारे पितृ भी प्रसन्न हो। तो इस दिन पितरों को निमित्त विशेष तौर पर कार्य करने का प्रयास करें। आपके शुक्र इस वक्त 6ठे भाव में चल रहे हैं और वो विजय देने के योग दे रहे हैं, लेकिन अस्त थे, अब हो गए शुक्र उदय, तो यानी आपके जो एक ग्रह कमजोर थे वो भी आपके लिए सुंदर लाभ देने के योग बना रहे हैं। तो आप सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों 6ठे भाव में विराजमान है, ये अननेसेसरी की वीकनेस दे रहे हैं, शारीरिक क्षमता को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गौ पूजन करें, पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तर्पण करें, ये सब कार्य करेंगे तो आपको कुछ न कुछ से ये सब जो शारीरिक कष्ट है उनसे भी निवृत्ति प्राप्त करने के योग बनेंगे। 6 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत है, गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, आषाढ़ की प्रतिपदा है इस दिन शुक्ल पक्ष की, और ये शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, शनिवार के दिन यदि शुभ मुहूर्त में कोई शुभ कार्य आरंभ कर दिया जाए तो गुप्त मनोकामनाओं, अपनी मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए बड़ा अनुकूल समय होता है। देवयोग से इस बार गुप्त नवरात्रि, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति की रात्रियाँ, ये विशेष तौर पर अनुष्ठान के तौर पर आरंभ होने की सुंदर योग शनिवार के दिन ही बन रहे हैं। चैत्र में नवरात्र आते हैं, शारदीय नवरात्र आते हैं, और ये सब के सब नवरात्र जो हैं समस्त मनोकामनाओं को सिद्धि करने के योग देते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र गुप्त रूप से चुपचाप बैठकर भगवती की आराधना करने के दिन है। देखिए तमाम भक्ति आराधनाओं में कहा गया है गुह्यम गुह्यम प्रत्येन, यानी अब आप जो साधना करते हैं किसी को बताए मत, पूजा पाठ जो करते हैं किसी को बताए ना, नहीं तो क्या होता है, बताते ही उसका फल जो है सामने वाला उसको शेयर कर देता है, ले जाता है। तो इसलिए गुप्त नवरात्रि के समय में सुंदर तरीके से महाभगवती दुर्गा की आराधना, हमारे आश्रम पे विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखा गया है दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और माँ दुर्गा सप्तशती का विशेष तौर पर 700 मंत्रों का यज्ञ नित्य प्रति चलेगा, और आप सब उसमें सम्मिलित होकर विशेष तौर पर लाभ के योग बना सकते हैं, और आप इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से एक बात ध्यान रखिएगा, जो दिन है थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा सा अन्न दान करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन वैसे ही है, अपने कोशिश करें अन्न का दान करें, यह आपके कष्टों को निवारण करने वाला योग अवश्य बनाएगा। बात कर लेते हैं 7 तारीख की, रविवार की द्वितीया तिथि है और उस दिन कर्क में शुक्र जा रहे हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण योग है। शुक्र महाराज 6ठे भाव में चलते हुए काफी लंबे समय तक अस्त रहे और अब परिवर्तन का योग जो बन रहा है, सुबह 4:30 पर शुक्र सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, बुध के साथ बैठकर वह सुंदर योग बनाएंगे और ये आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध हो सकता है। मंगल जो है चतुर्थ भाव में चलते हुए कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ये सूर्य का नक्षत्र है, और ऐसे में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं आपके अंदर, थोड़ा सा ऐसा भाव हो सकता है कि मैं ही सब कुछ कार्य कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही किया जाएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा अहंकार हो सकता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सरलता के साथ कार्य करने का प्रयास करें, सरलता ही आपकी राशि के अनुसार से उस गुण को विशेष तौर पर लाभ देने के योग बना सकती है। शाम को चंद्रदर्शन होगा, वो अवश्य कीजिएगा, उससे थोड़ा सा सरलता का विकास करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। रविवार के दिन शाम को चंद्र दर्शन करके बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें, ये आपके भाग्य को बढ़ाने का सुंदर योग बनाएगा। देखिए ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं, 8 तारीख को समझते हैं सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और तृतीया तिथि के दिन साथ साथ माँ चंद्रघंटा की आराधना करने का सुंदर योग बनता है। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त ग्रह आपके बड़े अनुकूल चल रहे हैं, बृहस्पति बड़े सुंदर तरीके से आपको लाभ देने के योग दे रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तित होकर आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, और ये बहुत सुंदर है आपके लिए।
ये समस्त ग्रह दिखा रहे हैं कि विजय का नाद आपको जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें विजय प्राप्ति के लिए योग बनते हैं, अच्छे हैं। लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान लगातार करने का प्रयास कीजिएगा। पेट से नीचे की संबंधित बीमारियाँ जो हैं वो थोड़े परेशान दे सकती हैं। ऐसे में थोड़ा पानी की मात्रा अच्छी करें, योगाभ्यास नित्यप्रति करें, वो बहुत ज़रूरी है। हो सके तो सूर्य उदय से पहले उठें। माँ चंद्रघंटा की इस दिन आराधना करना समस्त प्रकार से विजय को देने वाला होगा। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सिंदूर का अर्पण करना, सौंदर्य के प्रसादनों को भगवती को अर्पित करना, श्रृंगार की समस्त 16 चीज़ों को भगवती को अर्पित करना, ये सुंदर उपाय है। इसको अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव का पार्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। 9 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और इस दिन तृतीया और चतुर्थी का योग है। तृतीया थोड़ी देर विराजमान होगी, उसके बाद चतुर्थी आ जाएगी। ये तृतीया वृद्धि की तरफ चली गई है, और लेकिन एक सुंदर योग बन गया है अंगारक चतुर्थी, यानी मंगल का जन्म दिवस। अभी हम कुछ देर पहले आपको मंगल के बारे में बता रहे थे। मंगल बड़े सुंदर हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर उग्रता को बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एकाकी भाव उत्पन्न कर रहे हैं, थोड़ा सा आपके अंदर मंगल की पॉजिटिव एटीट्यूड को समझने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है। और मंगल को बैलेंस करने के लिए दिन आ भी गया, मंगल का जन्मदिवस, अंगारक चतुर्थी यानी मंगल का जन्मदिवस। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हमारे इंद्र नवरात्र का यज्ञ चल ही रहा है, साथ साथ हमने सुंदरकांड का भी कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मंगल के दिन हनुमान जी की सुंदर आराधना करके हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल को भी आप अनुकूल कर सकते हैं। तो सुंदरकांड का पाठ करें और मंगल को इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल करना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ दिन मंगल और यहाँ रहने वाले हैं, करीब करीब मान लें 15-20 दिन और ग्रहों का योग बनेगा, इसका लाभ बहुत ज़बरदस्त मिल सकता है। लेकिन मंगल के नेगेटिव आस्पेक्ट को थोड़ा सा समाप्त करना पड़ेगा, उसके लिए सुंदरकांड से बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो अवश्य सानिध्य लें और पूजन करें, कल्याण का योग बनेगा और आगे बढ़ने के योग अवश्य बनेंगे आपके। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदयातिथि के रूप में विराजमान है, चंद्रमा परिवर्तित होकर अष्टम भाव में चले गए हैं और ये थोड़ा सा आपके लिए बंधन को बढ़ाने वाला है। सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बंधा आपका मनोमस्तिष्क रह सकता है, थोड़ा खुलकर काम करने का प्रयास करें और आपके ग्रह बाकी सारे जो हैं वो खुलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन मन जो है वो थोड़ा सा बंधा हुआ है, हिम्मत करें, हिम्मत करके बढ़ने का प्रयास कीजिए, थोड़ी सद्बुद्धि उत्पन्न करने का प्रयास करें। माँ स्कंद माता का ध्यान, पंचम नवरात्र है, स्कंद माता का ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। माँ की पूजा से आराधना से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो सकते हैं, माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और साथ साथ गणेश जी का पूजन करें। हमारे आश्रम पे तो बड़ा यज्ञ चल ही रहा है जो नवरात्र के अवसर पर रहता ही है, और आप सब भी उसमें अपने नाम से एक चाहे एक दिन का चाहे 9 दिन का सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, नाम से करा सकते हैं। सुंदर ब्राह्मणों की, विद्वान ब्राह्मणों की सुंदर आवश्यकता जो विशेष व्यवस्था कर रखी है, उन सब में सम्मिलित हों। देखिए माँ भगवती कृपा जो हमारे आश्रम में श्री विग्रह भगवती का है ना, 1947 में 500 साल पुराना शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह भगवती का वहाँ आश्रम पे पधारा है और आप उनका दर्शन करें। कहा जाता है उनका दर्शन कर लेने से समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, और नवरात्र तो विशेष तौर पर महत्व के हैं, तो इसलिए अवश्य माँ भगवती का दर्शन करके लाभ लीजिए। ये ग्रह नक्षत्र बहुत अनुकूल होंगे आपके। देखिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है, और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पर क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्मपत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यवस्थित बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है। और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोग कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दृष्टा है, क्योंकि भविष्य ग्रहयोग वर्तमान सब परिवर्तनशील है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है। सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ, मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी गणजन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पर संपर्क साध कर और विवेकानंद योग आश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र हैं महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिव विग्रह अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिव विग्रह जो यहाँ उपस्थित है वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों के अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें, देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।